सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। तेल अवीव में हमारे सहयोगी शिवरूर इस वक्त मौजूद हैं। शिवरूर, जिस तरीके के हालात ग्राउंड पर दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार ये धमकी दी जा रही है कि हम जमीनी अटैक कर सकते हैं इसराइल की तरफ से, कितनी पॉसिबिलिटीज उसकी आने वाले वक्त में दिखती? अर्पिता, हम कल दक्षिणी इसराइल में रिपोर्ट कर रहे थे और हमने आंखों से देखा कि जो तैयारियां हैं इसराइल की तरफ से वो जारी हैं, लेकिन जैसे हमने पहले ही रिपोर्ट किया है, सीमित रूप से ज़मीनी आक्रमण ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसराइल के जो विशेष बल हैं, जो फेमस विशेष बल है, स्पेशल फोर्सेज जो कहते हैं, वो कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स गाजा के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं। उनका एक कोवर्ट ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन वो ऑलरेडी शुरू हुआ है, लेकिन दो तीन बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ अर्पिता। वो ये है कि 19 दिन के बाद, 19 दिन में जो लगातार बमबारी चली है गाजा पट्टी पर, उससे भी हमास की जो आतंकी क्षमता वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी हम इसराइल में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, रोज 25 से 30 रॉकेट अलर्ट्स होते हैं, रॉकेट अटैक्स हुए हैं। कल हम एक रॉकेट अटैक में एक्चुअली वी वर कॉट इन दैट। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कल हुआ था वो ये था कि इसराइल और गाजा की सीमा पर काफ़ी सुरंग मिले हैं और समुद्र रास्ते से कुछ हमास के आतंकवादी पकड़े भी गए थे, घुसते वक्त पकड़े भी गए थे और उस ठिकाने पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमास ना सिर्फ रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं इसराइल पर, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन भी करना चाह रहा है, जैसे उन्होंने अक्टूबर 7 को किया था। उसके अलावा जैसे आपने हेडलाइंस में भी हमारे दर्शकों को बताया अर्पिता, कि सीरिया पर भी बमबारी चल रही है और वो काफ़ी भारी बमबारी चल रही है। डमास्कस, जो सीरिया का राजधानी है, उसके एयरपोर्ट और कुछ सीरियन सेना के पोजीशंस पर काफ़ी अटैक्स हुए हैं। इसका मतलब ये कि एक फोर्थ फ्रंट खुल गया है सीरिया के ऊपर। एक है गाजा, दूसरा है वेस्ट बैंक जहाँ पे ड्रोन्स को लेकर कुछ आक्रमण हुए हैं, तीसरा है हिजबुल्ला लेबनन पर, और चौथा अब है सीरिया। इसका मतलब है कि फोर फ्रंट्स पर अब इसराइल लड़ रहा है। और जैसे आपने बताया कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर जो दबाव आ रहा है इसराइल पर, मेरा मानना है कि इसराइल अभी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जो ज़मीनी आक्रमण जो है, जो मुश्किलें सामने आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बंदूकों की वजह से है। इसराइल सेना के पास काफ़ी अनुभव है ज़मीनी आक्रमण पर, दो बार पहले वो गाजा पर इन्वेजन किए हैं, और इसलिए काफ़ी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वो हॉस्टेजेस, बंदकों को लेकर काफ़ी मुश्किलें सामने आई हैं, और इसलिए वो उस एंगल पर थोड़ा धीरे चल रहे हैं।